2 बजे बेबी को ड्रॉप करके गाड़ी वापस ले आना, ठीक है सर। और क्या नाम है तुम्हारा? रघु नाम है मेरा सर। रघु, 2000 की इतनी खूबसूरत ड्रेस दिलाई है तो एक नेम प्लेट लगाने में क्या जाता है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा नाम मुझे याद कैसे रहेगा? मुझे याद रहेगा ना सर। अरे तुम सफेद कलर के बगुले, तुझे तो अपना नाम याद रहेगा, मुझे कैसे याद रहेगा? या कल नेम प्लेट लग जानी चाहिए। जाओ और सुनो, पीछे भी एक नेम प्लेट लगा देना। पीछे क्यों सर? अरे पीट करके खड़ा रहेगा तो मैं बिना नाम पढ़े तुझे कैसे बुला सकूंगा? जाओ। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? मैं, अरे यार मैं क्या नाम है मेरा, एक मिनट फोन करना, काटना मत। हाँ काट कर बोल रहा हूँ, काट कर। अरे काट कर, तू भी कमाल करता है यार, तूने मुझे अभी तक वो नहीं भेजे। वो क्या होता है? गन्ने। अरे यार गन्ने मैं क्यों भेजने लगा भाई? अरे यार तू मुझे गन्ने नहीं भेजेगा तो फिर मैं वो कैसे बनाऊंगा? वो क्या? शक्कर। अरे यार एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे बात तुम्हारे बोली, पहले ये बताओ कि मेरे गन्ने का क्या हुआ? गन्ने के खेत में हाथी घुस गए थे, सारे खा गए गन्ने। अरे मैं बोल रहा हूँ यार, मैं क्या नाम है मेरा? अरे भैया नाम तुम्हारा है तो तुमको पता होगा ना, मैं तो समझा कि काट कर बोल रहा है। हाँ काट कर बोल रहा हूँ, विनोद काट कर, आपके बच्चों का बॉस। अच्छा, आप ये वाले काट कर साहब बोल रहे हैं? मैं समझा कि आप वो वाले काट कर बोल रहे हैं जो खेत से गन्ने काट कर मेरी फैक्ट्री में बेचता है। अरे वो निखिल और अखिल कहाँ है, मेरी उनसे बात करवाइए। क्यों सर, उनका फोन काम नहीं कर रहा है क्या? अरे फोन काम कर रहा है इसीलिए तो आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। तो सर ये मेरा फोन नंबर है शर्मा का, उसके लिए आप खन्ना साहब के घर फोन लगाइए। अरे सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा उन दोनों का नंबर है, क्या नाम है उनका? अखिल निखिल। हाँ अखिल और निखिल का नंबर मुझे लगा वो है, इसलिए मैं चलो रखता हूँ। चिरकुट कितना बोलता है भैया। लो आ गया। हेलो हेलो, मैं काट कर बोलूंगा तो गन्ने मांगेगी। हेलो मैं विनोद बोल रहा हूँ, विनोद। अरे विनोद भैया, कितनी देर से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। आशा को फोन लग गया। भगवान ये फोन के क्या है, लोकल कॉल करो तो एसटीडी लगता। आप बोलो कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, गाजियाबाद में तो सब ठीक है ना? ये तो भाई गाजियाबाद वाले ही जाने। तो आप कहाँ से बोल रहे हो? अरे मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। क्या मुंबई से? क्या विनोद भैया, मुंबई आए तो घर क्यों नहीं आए? घर अपने ही जाऊंगा ना, तुम्हारे क्यों आऊंगा? तुम मुंबई में कब आई? लो कर लो बात। अरे मेरा घर भी तो मुंबई में ही है, आपके जीजा जी खन्ना साहब भी तो मुंबई में ही रहते हैं। खन्ना? तुमने खन्ना से शादी कर ली? हाँ। अरे मैंने तुम्हारी चिंचवाड़ करके साथ शादी करवाई थी, तुमने उसे छोड़ दिया। चिंचवाड़? आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैं विनोद बोल रहा हूँ। विनोद? विनोद पूरा नाम? विनोद काटकर। क्या काटकर? अरे काटकर मेरी सरने में कुछ काटना नहीं है। विनोद काटकर? हाँ। अरे भाई मैं निसी बोल रही हूँ, निसी खन्ना, और रॉन्ग नंबर है। हाँ रख दिया, रॉन्ग नंबर कहकर रख दिया। अरे कम्मो, ए कम्मो, अरे कहाँ गई भाई कम्मो? मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ मुझे कमो मत बुलाया करो, ऐसे लगता है किसी काम वाली बाई को बुला रहे हो। काम्या बुलाना, कितना अच्छा नाम है। हाँ हाँ वही वही काम्या काम्या। अरे काम्या देखो वो मेरा मिल नहीं रहा है, वो जरा पूछो कहीं तुमने देखा है क्या? पापा आप फिर से अपना चश्मा टॉयलेट में भूल के आ गए ना, आप हमेशा यही करते हैं। हाँ चश्मा लो, दो चश्मा दो। चश्मा? पापा वो मैं कैसे दे सकती हूँ, वो तो आपको स्वीपर ही दे सकता है। स्वीपर? क्यों, स्वीपर उठा के ले गया क्या? नहीं मम्मा, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, जब मैं वो चश्मा उठाने जा रही थी ना तो वो गलती से मेरे हाथ से वो कबाड़ में गिर गया। डोंट वरी पापा, वो मैंने स्वीपर को बुलवाकर आपका चश्मा निकलवा दिया है। और इतना ही नहीं पापा, इसे तो मैंने अच्छे से
ब्रश से रगड़ 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 के धो दिया है। पर अब इससे थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है पापा। पर नो टेंशन पापा, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि यदि सुबह को धुंधला दिखाई दे तो हे भगवान, ब्रश से रगड़ 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 के पूरे चश्मे का सत्यानाश कर दिया। पता नहीं इस लड़की को अकल कब आएगी। लो एक तो चश्मा कोमर से निकलवाओ, फिर साफ करो और फिर टांट खाओ। चली माँ। कहा रो माँ, ऑफिस पहुँचने में देर हो जाएगी ना। अरे हाँ हाँ, अखिल और निखिल चले जाएंगे। अरे हाँ समझी। चल रही माँ। चल रो माँ। बाय पापा। बाय मामा। बाय। छी क्या छी, इसमें छी की क्या बात है? कमोट में गिरी हुई चीजें कोई पहनता है क्या? क्यों नहीं पहनता है? अरे अपनी इंगेजमेंट रिंग को ही देखो। एन इंगेजमेंट के दिन कमोट में गिर गई थी और तुम उसको आज तक पहन रही हो। जब भी हाथ पकड़ता हूँ तो कमोट की बात आती है उसमें। और निखिल, ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी खा। अबे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी खा। गाऊंगा तो और देर हो जाएगी। बेटे तुम अपना हेयरिंग एड क्यों नहीं यूज करते? अरे भाई वही मशीन जो भैया ने गाजियाबाद से खास भेजी है। गाजियाबाद नहीं, गाजियाबाद। वही तो कह रही हूँ, गाजियाबाद। हिंदुस्तान के नक्शे में कोई गाजियाबाद शहर नहीं है। ओ मम्मी, वो गाजियाबाद नहीं, गाजियाबाद होता है। समझी? मेरी समझ में नहीं आता, अपने शहर का नाम मैं कैसे लूं? ओ, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ओए तू चल रहा है कि नहीं? मैं क्यों चलूंगा? बाय। अरे नाश्ता कर ले। अरे ये बिना बोले कहाँ चला जाता है? मैं जा रहा हूँ। अरे डब्बा लेके जा, डब्बा डब्बा जा। चलो चलो, आप जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर ऑफिस जाते वक्त मुझे बाजार छोड़ देना। हे भगवान, ये किससे शादी हो गई? हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, मुझसे शादी करके आप पछता रहे हो, दुखी हो। आपको तो किसी मिसेस शर्मा जैसी से शादी करनी चाहिए थी। ये उनको उनके पति कम से कम चार लोगों से मिला तो सकते हैं। हाँ हाँ, अब मैं समझ गई, आप मुझे मिसेस शर्मा के घर क्यों नहीं लेकर जाते? क्यों नहीं लेकर जाते? क्योंकि उनके घर चार लोग जो है। नहीं छोड़ूंगा, कितनी देर हो गई, आज इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 नहीं, आज तो इन लोगों को मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर और हो जाती तो गुड आफ्टरनून हो जाता। सर आप जल्दी आ गए। मैं जल्दी नहीं आया हूँ, आप लोग लेट आई हैं। नो नो। हेलो सर। अरे वाह, इतनी जल्दी क्या थी आने की भैया? सर मैं वही कह रहा था इसे कि इतनी जल्दी क्या थी खाने की, खाना तो आराम से खाना चाहिए ना। देख वो खाने की नहीं, वो आने की बात कर रहे हैं। तो मैं भी वही कह रहा हूँ सर को कि खाने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि आने की जल्दी थी, और सर कह रहे कि आने की क्या जल्दी थी। ये तुम लोगों ने क्या पहन रखा है? ये जोकरों जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? एक ही थान मिला था क्या जिसमें से सबने एक जैसे ही कपड़े बना लिए? ये यूनिफॉर्म है। अरे यार क्लोरोफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म। सर और तो और, बड़ी कंपनी एंटरप्राइजेस और बड़े बड़े फाइव स्टार होटल्स के स्टाफ भी ना ऐसे यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी हमारी कंपनी के स्टाफ को ना ऐसे बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म पहना दे, तो हमने भी। और सर हम तो आपके लिए भी बनवा कर लाने वाले थे, लेकिन आपका नाप ही नहीं था ना। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि मेरा नाप नहीं था। आज के बाद अगर ये जोकरों जैसे कपड़े पहनकर तुम लोग वापस आए ना तो ऑफिस से निकाल दूंगा। चलो बढ़िया है, अभी हमें जब भी छुट्टी चाहिए होगी हम सब यही कपड़े पहन के आ जाएंगे सर। ये चिरकुट, ऑफिस से निकाल दूंगा यानी नौकरी से निकाल दूंगा। हे भगवान, कैसी जगह में मैं फंस गया हूँ। नाम है ट्रबल शूटर्स और हमारी ट्रबल हम शूट नहीं कर पा रहे। गेट आउट, गेट आउट, निकलो यहाँ से, निकलो, अपने अपने काम पे लग जाओ। और सुनो, खबरदार ये जोकरों जैसे कपड़े वापस पहने हैं तो
Get out! सर सर खबरदार ऐसे कपड़े पहने नहीं सर नहीं Get out! कैसे सुलझेगी ट्रबल उनसे जो खुद ही ट्रबल है सारे एक स्वर में कहते हैं ना हम हुआ कॉफी कॉफी और मैं तुम्हारे लिए टिफिन भी लेके आया हूँ टिफिन तुम हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए क्यों लाते हो वो इसलिए कि अच्छा दोस्त मानते हो है ना गोश्त नहीं लाया हूँ मेथी के पराठे लेके आया हूँ तुम्हारे लिए गोश्त कल लेके आ जाऊंगा है ना कल लाऊंगा कल लेके आ जाऊंगा निखिल वो अखिल है ना वो उसे मैं बहुत पसंद करती हूँ पर वो है ना वो मुझे भाव ही नहीं देता अरे उसको छोड़ो ना मैं रोज तुम्हारे लिए बेकरी से ताजे पाव लेके आऊंगा वो भी आधे भाव में निखिल मैं पाव की बात नहीं कर रही हूँ भाव भाव की बात कर रही हूँ मैं हाँ निखिल प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज प्लीज व्हाई नॉट Why not? Thank you so much, Nikhil. अरे मैं अभी आया जल्दी आना ये क्या बोल के चली गई कुछ समझ में नहीं आया ये कौन का कुछ करवाना पड़ेगा नहीं तो जिस दिन प्रपोज करके चली गई वो भी पता नहीं चलेगा अब तुम्हारे लिए ही होगी ना मेरे लिए थैंक यू मैं जा रहा हूँ वो कॉफी पियो नहीं नहीं वो कैसे सुलझेगी ट्रबल उनसे जो खुद ही ट्रबल क्या बोल कर गया पर जो भी बोल कर गया अच्छा लगा हमारे बॉस भी ना कमाल के हैं ऐसा भी कोई बिजनेस होता है प्रॉब्लम शूटर अरे ऐसे किसी की टेंशन दूर होती है क्या बताओ मुझे स्वामी जी हमेशा सही कहते हैं कि टेंशन एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जो आगे चलकर एक भयानक रूप धारण कर लेती है हेलो हेलो मैं सुकेश साहू हूँ व्हाट कैन आई डू फॉर यू मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है मैं बर्बाद हो गया हूँ मैं इतना हैरान हूँ परेशान हूँ और आप हंस रही हैं कैसे लड़की आप हैरान है परेशान भी है क्या प्रॉब्लम है क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ प्रॉब्लम उधर नहीं इधर है बोलिए ये कमाल की लड़की है मैं डिप्रेशन में हूँ मेरा बिजनेस ठप हो गया है और ये हंस रही है देखिए आप उनकी भावनाओं को समझिए वो चाहती हैं कि आप हंसते रहें हर इंसान को हंसना चाहिए हंसने से डिप्रेशन नहीं होता है आप समझ रहे हैं बात हाँ, और भले ही लोग आपको पागल समझें लेकिन आप हंसते रहिए वेरी गुड अब मैं काफी बेटर फील कर रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है सर वो क्या है ना कि स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि हंसने से इंसान के अंदर का टेंशन दूर हो जाता है और जब अंदर का टेंशन दूर हो जाता ना तो अंदर की नसें आप हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में चलकर बैठिए हमारी टीम आपसे वहीं बातें करेगी अच्छा अच्छा कहाँ है कॉन्फ्रेंस रूम कौन है भाई कौन आप ऑफिस में सो रहे हैं मैं ऑफिस में सो रहा हूँ सर ऑफिस में काम करते हैं तुम्हें किस बात की तनख्वाह देता हूँ काम करने की
तुम काम करो, मैं सोऊंगा। राइट सर, सारे क्लाइंट आया। क्लाइंट? यू मीन ग्राहक? यू मीन देवता? वो एक काम करो, एक काम करो, उसे कहो कि मुंह धोकर आए, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा। ओके सर। सर उन्हें ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा दिया गया है, आप मुंह धोकर आइए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तुम जाओ यार, तुम कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। सर आप वो मुंह धो जाओ। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। सर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे जा, जाओ उस लड़के के साथ जाओ, अखिल के साथ जाओ और वो प्रॉब्लम केस सॉल्व करो। सर पर मैं चाहती हूँ कि ये केस मैं निखिल के साथ देखूँ, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि। स्वामी जी पे मत जाना, ठीक है। जिसके साथ तुम मिलकर क्लाइंट को अटेंड करना चाहती हो उसके साथ मिल जाओ, जाओ। दूर से थैंक यू पहुँच गया। तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ। आप बैठिए, नहीं खड़ी क्यों है? सर एक्चुअली मुझे खड़े रहने की सैलरी मिलती है। फिर ठीक है, खड़े रहिए ना। अब बॉस कहीं व्यस्त है? हाँ वो त्रस्त है। अक्सर शादी के बाद हर आदमी बीवी के कारण त्रस्त हो ही जाता है। नहीं सर आई मीन बॉस आ रहे होंगे। हाँ आ रहे होंगे, आ गया। सर ये क्लाइंट है। ये क्लाइंट है। क्या नाम है आपका? सुकेश साहू। अच्छा नाम। क्या प्रॉब्लम है आपका? सर मेरा बिजनेस ठप हो गया है, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं डिप्रेशन में हूँ और इसी प्रॉब्लम में से निकलने के लिए आपके पास आया हूँ। आप सही जगह पे आए हो, सब प्रॉब्लम का एक ही जवाब है, हमारा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? हमारा ये ऑफिस, इसीलिए तो हमने ये ऑफिस खोला है। तो आप मेरी प्रॉब्लम समझ गए ना? हाँ, स्वामी जी कहते हैं कि समझदारी इसी में है कि इंसान समझ जाए कि उसकी समस्या क्या है, समझे? नहीं, अगर आप अपनी समझदारी कुछ कम करें तो शायद कुछ समझ में आए। मैं समझाता हूँ, मैं समझ, चुप रहो ना यार। हाँ जी, तो क्या नाम है आपका? सुकेश साहू। सुकेश साहू जी, जी। सबसे पहले आपको भूलना होगा कि आपने कोई बिजनेस किया था और उसमें आपको कोई लॉस हुआ था। और सर आप तो ये भी भूल गए कि आपका कभी कोई बिजनेस था, आपका कोई परिवार है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पेन है। अब सब भूल जाइए, अब ये भी भूल जाइए कि आप एग्जिस्ट करते हैं, आप इंसान हैं, आप भूल जाइए। हाँ, आप ये भी भूल जाइए कि आप कभी पैदा भी हुए थे। सब भूल जाऊंगा तो करूंगा क्या? वही तो हम बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए बेस्ट तरीका यह है कि उसे भूल जाओ। हाँ, हमेशा हंसते रहना चाहिए। जब भी कोई आपको मारे तो हंसते रहिए, जेब कट जाए तो भी हंसते रहिए, क्योंकि हंसने से आपका आपका टेंशन खत्म हो जाएगा और टेंशन खत्म हो जाएगा तो आपको डिप्रेशन नहीं रहेगी। वाओ, राइट? बात तो आप सही कह रही है। ये कहाँ सह रही है, अरे आप सह रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम आपकी है, उनकी थोड़ी है। ये क्या कह रहे हैं? वो मैं समझाता हूँ। क्या नाम है आपका? नाम क्या नाम है? मैं बताती हूँ, आपका नाम सुकेश साहू है। हाँ तो सुकेश जी, सबसे पहले आप हंसिए। बस इसी तरह हंसते हंसते सोचिए तो आपकी प्रॉब्लम जो है आपको बहुत छोटी छोटी लगेगी। वैसे मेरी प्रॉब्लम है क्या? कमाल करते हैं आप, आपको तो अपनी प्रॉब्लम याद रखनी चाहिए ना। आप लोगों से मिलकर मुझे मेरा नाम याद नहीं रहा है, प्रॉब्लम क्या याद रहेगी? मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। yes. तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं चलता हूँ, बाय।
बाई करके कहाँ जा रहे हो सर? आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, फिर हमारी फीस? सर जब मुझे मेरा नाम याद नहीं है, मेरा प्रॉब्लम क्या था वो याद नहीं है, तो फीस देने का कैसे याद रहेगा? दुनिया तो टुकड़ों की नदियाँ, सब डूबे मझधारे, एक हंसी की नाव मिले तो सुख के मिले किनारे, खाने को धोके ही धोके, खाने को धोके ही धोके, पीने को गम है ना, ऐसे में बस आओ का